हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हॉट्स एंड लेजेंड्स। पर जानेंगे एडिलिप सिरप के बारे में, जो काफ़ी चर्चित एक मेडिसिन है। बहुत लोग इसको यूज़ करते लेकिन उनमें से 30% लोगों को एडिलिप सिरप के बारे में फुल जानकारी नहीं है। एडिलिप सिरप लेने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और इसका सही डोज क्या हो सकते हैं और इसका साइड इफेक्ट भी क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को फुल जानकारी देने वाला हूँ। चाहो तो आप लोग वीडियो जरूर देख सकते हो। वीडियो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आज कुछ नया सीख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे हाथ पर देखिए जो एडिलिप सिरप है, इसका प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस लगभग 129 रुपीज़। कहीं भी मेडिसिन शॉप से आप लोग इसको ले सकते हो या आप लोग ऑनलाइन से इसको खरीद कर सकते हो। और इसको मैन्युफैक्चर करते हैं अल्बर्ट डेविड लिमिटेड से इस दवाई आते हैं या इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं एडिलिप सिरप लेने से आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या क्या बेनिफिट हो सकता है एडिलिप सिरप लेने से या खाने से आप लोगों को क्या क्या मदद हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आजकल बहुत ऐसे लोग देखने को मिलता है जैसे लीवर पर बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, लीवर पर पानी आ जाता है, लीवर पर चर्बी आ जाता है, फैटी लीवर का समस्या होता है। अगर उन कंडीशन पर आपका लीवर है या आपका लीवर पर कोई चर्बी आ गया है या फैटी लीवर का कोई समस्या है, तो भी आप एडिलिप सिरप जरूर ले सकते हो। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन, आजकल बहुत ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जैसे भूख ना लगने का समस्या। अगर आप लोगों को भूख नहीं लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो ज़रूर आप लोग एडिलिप सिरप ले सकते हो। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा भूख लगेगा आप लोगों को, बहुत कुछ खा सकोगे आप लोग। तो जान लेते फ्रेंड्स, इसका डोजेस क्या डोजेस हो सकते हैं, तो कैसे लेना है आप लोगों को। देखिए, अगर आप लोग इस सिरप को बच्चों को देना चाहते हो, अगर आपका बच्चों का साल या ईयर्स 2 साल या 3 साल हो गए है, तो 3 ml करके देना है। खाने के पहले देना है, कुछ खाने से पहले देना है आप लोगों को। 3 ml करके 2 टाइम दे सकते हो आप लोग। अगर आपका साल 18 से ज़्यादा हो गया तो 7 ml करके ले सकते हो, कुछ खाने से पहले ले सकते हो। तो जान लेते फ्रेंड्स, इसका लेने से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिलता है जैसे इस सिरप लेने से कुछ ऐसा साइड इफेक्ट होता है, जैसे मान लो चक्कर वगैरह आ जाना या उल्टी होना, और पेट में कुछ दर्द भी हो सकता है, और शरीर पर कुछ खुजली वगैरह हो सकता है, तो ऐसा इसका साइड इफेक्ट होता है। और इसके बारे में और कुछ पूछना चाहते हो या जानना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई भी कर दूंगा फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।